सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है जो उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स है, उत्तराखंड बोर्ड से जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए अपडेट है बेटा कि उत्तराखंड बोर्ड ने अपना जो रिजल्ट है, सॉरी डेट शीट जो है, रिजल्ट नहीं डेट शीट जो है वो अनाउंस कर दिया है 2023 के लिए। इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का जो परीक्षा कार्यक्रम है, डेट शीट है वो रिलीज हो चुका है। एग्जाम की जो टाइमिंग है बेटा वो 9:30 बजे आपको परीक्षा कक्ष में उपस्थित होना है। उसके बाद 9:45 से आपका जो है पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, फिर 10 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से 1 बजे तक जो है आपका पेपर का टाइम रहेगा। 3 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है ना। देखो पेपर कब से स्टार्ट हो रहा है, 16 मार्च से, 16/3/2023 गुरुवार से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। पहला जो एग्जाम है इंटरमीडिएट का वो हिंदी का है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो पेपर है वो आपका 17/3 को जो है आपका हाई स्कूल का हिंदी का एग्जाम है बेटा। उसके बाद 18 को आपका भूगोल या भूगर्भ विज्ञान का है, बाकी हाई स्कूल में माइनस सब्जेक्ट है। उसके बाद 21/3 मंगलवार को जो है आपका समाजशास्त्र का, और हाई स्कूल में जो है वो विज्ञान का पेपर है। 23/3 को गुरुवार, इस दिन आपका राजनीति शास्त्र, सॉरी रासायनिक शास्त्र है, राजनीति शास्त्र, सॉरी राजनीति शास्त्र, बाकी आपका कृषि वनस्पति विज्ञान है और कृषि अर्थशास्त्र है। 24 को आपका क्लास 10th में अंग्रेजी का एग्जाम है, बाकी 11th 12th, सॉरी 12th का जो है वो आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। उसके बाद 25 को बेटा आपका शनिवार को जो है गणित का एग्जाम है, और इनमें रंजन कला है, ये छोड़ दो, ये तो वैसे माइनर सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद आपका 28/3 को बेटा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, शिक्षा शास्त्र, सोशोलॉजी और आपका जो है सॉरी एजुकेशन और रसायन शास्त्र का पेपर है 28 को, और आपका हाई स्कूल में मैथमेटिक्स का एग्जाम है। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा 31/3 को आपका अर्थशास्त्र का एग्जाम है, बाकी हाई स्कूल में कोई एग्जाम नहीं है इस दिन। इसके बाद 1/4 को, मतलब 1 अप्रैल को जो है जीव विज्ञान का पेपर है, और क्लास 10th में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसके बाद आपका 3/4, मतलब 3 अप्रैल को आपका अंग्रेजी का एग्जाम है 12th में, और इनमें कोई एग्जाम नहीं है। और उसके बाद 5 अप्रैल को आपका इतिहास का एग्जाम है, और इनका संस्कृत का है 10th में, क्लास 10th का संस्कृत है। और जो है इसके बाद लास्ट जो एग्जाम आपका 6 अप्रैल को है, और 6 अप्रैल को आपका गृह विज्ञान है और व्यावसायिक अध्ययन है, मतलब बिजनेस स्टडीज है। तो ये आपका डेट शीट है उत्तराखंड बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप इस डेट शीट को नोट करेंगे बेटा, या उत्तराखंड बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके आप इस डेटशीट को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।